बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन ग्रिल। चिकन ग्रिल में क्या क्या डालने का है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये बहुत लजीज जैसा लगता है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जी हमने अभी लिया 1 किलो चिकन रानू, उसमें अभी हम लोग ग्रिल फ्राई करना है। तो इसमें हम लोग 1 किलो चिकन डालेंगे, उसमें उसके हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून के बाद आधा टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी डाला और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून में डाला, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी तक, इसको थोड़ा कम रखेंगे गरम मसाला, थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, एक टेबल स्पून तक। इसमें एक अंडा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये चिकन ग्रिल के लिए बहुत अच्छा मसाला है। अगर आप चिकन ग्रिल बना रहे हैं तो उसमें अंडा ज़रूरी है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट तक रख देंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, दोबारा मिक्स करेंगे और 20 मिनट तक रख देते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका 20 मिनट हो चुका है। अब इसको हम ग्रिल में डालने वाले हैं। एक एक पीस करके रखेंगे। एक केजी में लिया था और बीच में लाइन डाला था। तो अभी मैं इस पर रखा। अब हम जाएंगे गैस के ऊपर, इसको मैं ग्रिल में रखा, अभी जाते हैं गैस के ऊपर। ये है हमारा ग्रिल, अभी इसमें हम लोग आग लगाएंगे। जैसा आप लोग देख रहे तो इसको मैं अंदर रखा और इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं 200 पे रख देता हूँ। तो चलो पकने के बाद देखते हैं। तो इसको कम से कम मैं 15 मिनट तक रख देता हूँ पकने के लिए। देख रहे हैं कि हमारा ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत लजीज है। तो ये है हमारा ग्रिल चिकन। तो आपको कैसे लगा
आप लोग भी ट्राई करके बना के खा लो, रोटी के साथ, चावल के साथ, कुछ किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। तो चलो, मुझे इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।